हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीएस 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ब्लॉक 2 बेसिक कॉम्बिनेट्रिक्स यूनिट 4 सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके अंदर जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो हमने इंट्रोडक्शन टू सेट पढ़ लिया है, ऑपरेशंस भी पढ़ लिए हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब कुछ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, उसकी कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है एंड रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हम अपनी लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शुरू होता है रिलेशन। तो कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर रिलेशन क्या होता है एंड देयर टाइप, के अलग अलग तरह के रिलेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, कार्टिजन प्रोडक्ट, लेट सपोज कि आपके पास दो इस तरह के दो सेट है। ठीक है, लेट ए सेट में कुछ वैल्यू दी है ए एंड बी, बी सेट के अंदर कुछ वैल्यू दी है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे, तो उसको लिखते कैसे, ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए को पहले, इस ए को इन सब से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ए को इन सब सेट के साथ में लिख लो, तो ए वन हो जाएगा, फिर ए टू हो जाएगा, फिर ए थ्री हो जाएगा एंड देन फिर बी के साथ में लिखेंगे। ठीक है, बी वन हो जाएगा, फिर बी टू हो जाएगा, फिर बी थ्री हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा पूरा हो गया ए क्रॉस बी। जैसे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी। ठीक है, यहाँ जो भी ए के एलिमेंट है वो लिख लो और यहाँ पर 1, 2, 3 जो इसके रिलेशन की जो भी एलिमेंट है वो यहाँ लिख लो। ठीक है, तो अगर आप ए क्रॉस बी करोगे, ठीक है, जैसे इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे इसके साथ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, B के साथ में भी हम ऐसे लिखेंगे, B को इसके साथ में लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। तो आप ऐसे ऐसे देखो, B क्रॉस A भी लिख सकते हैं आप, B क्रॉस A के एलिमेंट्स निकालेंगे तो B क्रॉस A में क्या आएगा, 1A, 1B, 2A, 2B एंड 3A और 3B, ये कुछ एलिमेंट्स हमें इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने का है कि फर्स्ट क्या कहता है कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं होते। यानी कि देखो, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है दोनों अलग अलग है। ठीक है, जो सेट में जो भी वैल्यूज़ आई है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, पेयर्स जो बने हैं वो डिफरेंट बने हैं। ठीक है, यहाँ पर 1A1 का मतलब अलग है और 1A का मतलब अलग है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर A के अंदर अगर मान लो m एलिमेंट्स है और B के अंदर मान लो n एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर जो A क्रॉस B मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, m मल्टीप्लाई n। यानी कि अगर यहाँ पर हमें इसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन थी, A के अंदर कितनी वैल्यूज थी, कितने एलिमेंट्स थे, 2, B के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो 2 क्रॉस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिले A क्रॉस B में। ठीक है, ये हमें कार्टिजन प्रोडक्ट में पता लगता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू होगा B क्रॉस A के। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बोलें कि इसको हम लिखेंगे कैसे, अ रिलेशन रिलेशन क्या होता है, मतलब ये अब कार्टिजन प्रोडक्ट आपको पता लग गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेशन के बारे में जान लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, ये दो सेट्स हैं ए और बी, दे देन एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि लेट, अगर आपके पास में दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, तो यहाँ पर जो भी रिलेशन इससे बनेंगे ए टू बी से, तो वो क्या होंगे, सबसेट होंगे कि किसके, कार्टिजन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज़ मिलेगी उसका आपका क्या होगा, सबसेट होंगे ये इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले इसको, ठीक है, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं कि जैसे मैंने ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखा, ठीक है, ए के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है,
ये कुछ इस तरह से ए वन एंड ए टू, ठीक है, एक सेट ये बन गया। दूसरा सेट आप ये मान सकते हो ए वन ए टू एंड ए थ्री, बी वन बी टू एंड बी थ्री, ये सारे जो है पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल सकती है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग सबसेट है ना। जैसे अभी हमने ए क्रॉस बी निकाला है, तो ये क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है तो वो क्या है, उसकी सबसेट है। यहाँ पर देखो ए वन आया, ए टू आया, तो ये इसके अंदर भी ऑलरेडी है, ए वन इसमें भी है, ए टू इसके अंदर भी है। तो ये क्या है, जो अभी हमने नया सेट बनाया, तो इसके अंदर आप इसको चाहें सी नाम दे दो या डी नाम दे दो, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग जो सेट ले रहे हैं हम, जो ए और बी से ही मिलकर बने हुए हैं, तो वो क्या है हमारे एक मतलब रिले मतलब वो उसके सबसेट होंगे, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी के जो हमने बनाया है कार्टिजन प्रोडक्ट करके, दो जो हमारे सेट से उनका जब हमने कार्टिजन प्रोडक्ट किया, तो जो वैल्यूज़ हमें मिल रही है, ठीक है। तो अगर हमने इनको अलग अलग सेट्स के अंदर रखा, ठीक है, इस तरह से इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, तो इस तरह से ये सब क्या है, इसके हमारे सबसेट है, ठीक है, ए क्रॉस बी के जो अभी हमने निकाला ना, ए क्रॉस बी ये वाला, ओके। तो ये हमारा रिलेशन होता है। अब रिलेशन के अंदर मतलब हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने सारे रिलेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है और बी के अंदर कितने एलिमेंट है। तो अगर आप यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि हाउ मैनी रिलेशन पॉसिबल, कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई n, इतने रिलेशन पॉसिबल है। m मतलब कि जो भी आपका a के अंदर एलिमेंट होंगे वो, n मतलब जो n के b के अंदर एलिमेंट होंगे वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 की पावर वो रख देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा, यानी कि 2 की पावर हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि हमारा यही मिला है ना, 2 एलिमेंट a में थे और 3 एलिमेंट हमारे पास b में थे, यहाँ पर हमें पता लग रहा है, ठीक है। 2 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 6 रख दिया। तो इतने सारे रिलेशन हम इससे बना सकते हैं जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन कौन सी होती है, एक होती है हमारी रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है सिमेट्रिक, तीसरी है ट्रांजिटिव और फिर है इक्वलेंस रिलेशन। तो एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज़ को भी समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट सपोज कि आपके पास में दो मतलब आपके पास रिलेशन है, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ X X belongs to R for all X belongs to A, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि सारे एलिमेंट आपको रखने हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कैसे, तो यहाँ पर मान लो कि एक रिलेशन है हमारे पास A, A सेट है, A सेट है, ठीक है, कुछ वैल्यूज है 1, 2 एंड 3, इसमें आपको रिफ्लेक्टिव रिलेशन बताने हैं कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले A क्रॉस A करेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए किया। अब इसके अंदर जो सेट मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, 1, 1 मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर आप अभी हमने कार्टिजन प्रोडक्ट सीखा ना, तो हम क्या करेंगे, ए को ही ए के साथ में कार्टिजन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो 1 को पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे उसका, तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा एंड 2, 3 आएगा। उसके बाद आप ले सकते हो 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, मतलब ये हमने पूरा A क्रॉस A बना दिया। अब इसके अगर आप इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना चाहते हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका निकालेंगे हम, तो वो क्या बनेगा, R1 ले लेते हैं, R1 में कुछ वैल्यूज़ ले ली मैंने, 1, 1, ठीक है, एंड 2, 2 एंड 3, 3, ठीक है। मेन आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि ये जो इसके डायगनल्स है ना, ये जो डायगनल्स वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये डायगनल्स आपको लेने हैं,
ठीक है, ये जो डायगनल्स हैं इसके अंदर 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 ये आपको लेने हैं, किसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ये तो आने ही चाहिए, बाकी आप जो मर्जी ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। आर वन हमने ऐसे बनाया, आर टू हम बनाते हैं कुछ, तो इसमें ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब इसके अलावा मैं कुछ भी ले सकती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1, 2, तो ये भी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब कि ये जो डायगनल वाले एलिमेंट्स थे ना, यानी कि 1, 1 का पेयर, यानी कि 1 है तो 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 1 है तो 1 भी होना चाहिए, 2 है तो 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, x1, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ भी ले लो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है, पर ये तो होना ही चाहिए, ये कंपल्सरी है। अगर मैंने R3 में, जैसे अगर मैंने लिया ऐसे कुछ, R3 में मैंने वैल्यूज ली, यानी कि 1, 1 लिया, 2, 2 लिया, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3, 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो हमने यहाँ पर नहीं लिया है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन पे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये समझते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे चलेंगे। जैसे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एक्स जो है और वाई, दोनों ही क्या है, एक्स वाई जो है वो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए, देन, तो हमारे को पता है कि y एंड x भी होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू a, यानी कि जो भी सेट से बिलोंग करें, दैट इज कि इफ x y हमारे को दिया है बिलोंग्स टू r, x y r से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, देन y x भी रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो उसको और अच्छे समझ में आएगा, जैसे ए सेट में हमने कुछ वैल्यू दी है 1, 2 एंड 3, अब इसके लिए मेरे को रिलेशन बनाना है, जैसे कि अभी हमने कार्टिजन प्रोडक्ट किया ना, तो सेम वैसे ही हम लिख लेंगे, पहले इसको ए क्रॉस ए बना लो, तो हमें पता है क्या क्या आएगा, 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 2, 1, 3 आएगा, ठीक है, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा एंड 2, 3 आएगा, फिर 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा एंड 3, 3 आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, यानी कि अगर मैं इससे कोई रिलेशन बना रही हूँ R1, तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास जो रिलेशन हम बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर 2, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 2, 2 एंड 3, 1, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो अगर यहाँ पर 1, 2 हमारे पास है, ठीक है, 1 एंड 2 है, तो यहाँ देखो 2, 1 भी है, यानी कि अगर हमारे पास x y है तो हमारे पास y x भी होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1, 3 है, तो 3, 3 भी, 3, 1 भी है, और यहाँ पर 2, 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, 2 और 2 दोनों ही सेम है, तो इससे अगर नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं कि जो R2 है, यानी कि जो 5 है, यानी कि आपका ऐसा सेट या फिर ऐसा सेट, तो इसके अंदर तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, तो ये खुद ब खुद ही सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक सपोज कि R3 मैंने कुछ लिया जिसके अंदर वैल्यूज ले ली मैंने 1, 2 और 3, 2, तो यहाँ पर देखो क्या दिक्कत है कि 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 2, 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3, 1 एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 2, 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए इस वजह से इसको हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो आई होप कि आपको सिमेट्रिक पता चला होगा, यानी कि अगर सिमेट्रिक में 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 भी होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। आई होप कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई रिलेशन दिया है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू
बी ट्रांजिटिव इफ एक्स आर एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड अगर हमें मिल रहा है देन एक्स और जेड भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तीनों के तीनों ही ए से बिलोंग करने चाहिए, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे अभी हमने सेट ए, जैसे अभी हमने ए का एग्जांपल लिया ना सेट ए का, वैसे ही हम ले लेते हैं यहाँ पर ए सेट लिख लेते हैं, क्या क्या है उसके अंदर 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम उसको वही ए क्रॉस ए पहले बना लो, तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, फिर 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, ठीक है, इस तरह से ये मिल गया हमें। अब एक, अब इसके अंदर मैंने अगर रिलेशन में लिया R1, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है 1, 2 ये लिया मैंने, ठीक है, और लिया 2, 3। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, ठीक है, इसको y और z माना, ठीक है। तो यहाँ पर x है, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है और y हमारा बिलोंग कर रहा है, तो y और z भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन x और y, x और z का कोई पेयर नहीं है, तो ये हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह सकते, ठीक है। जो हमारा R2 हमने माना कि यानी कि phi या फिर जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लेट कि मैंने यहाँ पर लिया 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा, हमने इसको x माना, इसको हमने y माना, y और z बिलोंग कर रहा है, तो देखो x और z भी बिलोंग कर रहा है, x हमने 1 को माना है, ठीक है, और z क्या है हमारे पास 2, यानी कि x और z भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है, ये z और x, ठीक है, x और z भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है कुछ इस तरह से। तो ये क्या हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब इसी के बाद में अगर इसको छोटा सा मैं बताना चाहूँ, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में 1, 2 है, ठीक है, यानी और 2, 3 भी है, यानी कि इसको मानेंगे x, इसको माना y, इसको माना y और इसको माना z, तो हमारे पास एक z भी होना चाहिए, यानी कि 1 और 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो आपको ये देखना है और ये हमेशा याद रखना कि जो हमारा एम्प्टी सेट होता है और जो phi होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव सेट कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट इज इक्विलेंस रिलेशन। इक्विलेंस रिलेशन में क्या होता है, इसकी जगह पे मैं इक्विलेंस रिलेशन लिख देती हूँ, उसके लिए मैं पेज छोड़ना भूल गई, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विलेंस रिलेशन में क्या होता है कि अ सेट, अ रिलेशन कह लो, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी इक्विलेंस, इट इज, तो उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्या है कि वो रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सेकेंड इज कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, थर्ड इज कि वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें अभी हमने पढ़ी है, रिफ्लेक्टिव भी पढ़ा है, सिमेट्री भी पढ़ा है और ट्रांजिटिव भी पढ़ा है, तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसको कहोगे कि वो इक्विलेंस रिलेशन है। तो वही हम ए क्रॉस ए वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ए के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए थे 1, 2 एंड 3, तो इसके अंदर क्या बनेगा ए क्रॉस ए में 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, इस तरह से। अब इसको अगर मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन देती हूँ,
जिसमें से हमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्टिव है, मतलब कि इक्विलेंस है या नहीं. तो इक्विलेंस के लिए हमें ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होता है और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो यानी कि आर वन में मैंने अगर कुछ वैल्यूज ली हैं, वन वन, टू टू एंड थ्री थ्री, ठीक है. तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव तो है ये, तो हमने इसको लिख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव तो है. दूसरा हमने चेक किया कि अगर वन वन एग्जिस्ट कर रहा है तो वन वन तो इसी के लिए हो गया, टू टू भी हो गया और थ्री थ्री के लिए भी हो गया, तो ये सिमेट्री भी है. ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, तो ट्रांजिटिव में एक्स वाई हो गया, ठीक है, और वाई जेड हो गया. तो क्या आपके पास एक्स और जेड है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो मतलब ये इक्विलेंस नहीं हुआ. एक और रिलेशन लेते हैं जिसके अंदर हमने वैल्यूज ली, वन वन, टू टू एंड थ्री थ्री, टू वन एंड वन टू, कुछ इस तरह से. तो यहाँ पर हमें देखना है कि वन वन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, टू टू एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया हमारा. सिमेट्री क्या कहता है कि अगर वन वन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, तो वो तो हमारा इसके लिए तो रिजर्व है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, टू वन भी है और वन टू भी है, तो ये तो इसके लिए तो हो गया कि ये सिमेट्री भी है. अब यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर हमारा एक्स वाई है और इसको मान लो कि वाई जेड, ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्स और जेड भी होना चाहिए, तो एक्स और जेड हमारे पास है, ठीक है, एक्स और जेड यानी कि वन और टू होना चाहिए, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है. तो ये तीनों चीज़ें जब हमारी सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारा इक्विलेंस रिलेशन है, ठीक है. तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा. तो और एक चीज़ और है कि जो हमारा रिलेशन, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा आर थ्री के अंदर कि ये जो फाई है, तो फाई तो हमारा रिफ्लेक्टिव होता नहीं है, रिफ्लेक्सिव होता नहीं है, तो यानी कि ये यहाँ पर गलत हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव तो है और सिमेट्री भी है. तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी है जिसकी वजह से हम इसको इक्विलेंस रिलेशन नहीं कह सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.